जो हम शॉर्ट्स बना रहे हैं क्या लॉन्ग वीडियोस शॉर्ट वीडियोस एक ही चैनल पे करना चाहिए या फिर अलग अलग चैनल करना चाहिए जो क्रिएटर पहले से लॉन्ग वीडियो कर रहा है क्या उसको शॉर्ट्स उसी पे अपलोड करना चाहिए या नया चैनल बना लेना चाहिए क्या बोलना चाहेंगे आप देखो सतीश शॉर्ट्स का क्या है और लॉन्ग वीडियोस में क्या है ना कि टोटली दोनों का एल्गोरिथम तो अलग है समझ लो जरूरी नहीं है कि आपका लॉन्ग वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो शॉर्ट्स वीडियो अच्छे करेंगे उस पर और अगर शॉर्ट्स वीडियो अच्छा कर रहा है तो उस चैनल पर लॉन्ग वीडियो हम डालेंगे तो वो अच्छा करेगा बहुत से एग्जाम्पल हैं आप देख लीजिए इवन आ, मैंने देखा दुष्यंत कुटरीजा एक चैनल है 18 मिलियंस के आसपास सब्सक्राइबर है बट उनके ब्लॉग चैनल पे उसी कभी कभार मैंने देखा वीडियो डाले लॉन्ग तो नहीं परफॉर्म किया अच्छा उनके साथ नहीं बहुत से लोग एल्गोरिथम की गलत मतलब ऐसा कि सेपरेट सेपरेट बनाया गया किल्गरिज्म ऑब्सली तो फिलहाल तो लेकिन अभी क्या पहले अलग अलग था और थोड़ा चैनल का लुक भी खराब लगता था, था। लॉन्ग शॉर्ट्स लॉन्ग शॉर्ट्स लॉन्ग पे भी शॉर्ट्स पर नहीं आ रहा थंबनेल वजह से तो वो भी थंबनेल का भी थोड़ा जो सिस्टम था वो भी गड़बड़ था तो इस हिसाब से मैं पहले यही कहता था कि आप देख लीजिए अपना कि आपको क्या अच्छा चल रहा है वैसा वैसा अलग अलग दिया कि ये सही नहीं है अलग से टैब तो आ गया। अब हर चैनल पे अलग अलग टैब कर दिया हम लॉन्ग को अलग दिखाएंगे में मिक्स नहीं करेंगे। तो दैट इज अ गुड डिसीजन पहले का मतलब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और एक और चीज जैसे सर ने बोला कि दोनों का एल्गोरिथम अलग है तो फिलहाल अभी भी दोनों का रीच जो है जैसे मान लीजिए आपके शॉर्ट्स आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि लॉन्ग पे भी आपको उसके लिए फेस वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा तभी जाके आपके लॉन्ग पे भी व्यूज आएगा और लॉन्ग पे जब रीच आएगी वो रीच अलग है शॉर्ट्स के रीच अलग है मेरे जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं खुद का अगर चैनल दूं तो मेरे लॉन्ग वीडियोज पे एक दो लाख व्यूज आ जाते हैं शॉर्ट्स पे कभी पंद्रह हजार अटक गया <laughs> कोई चला जाएगा मिलियन कोई पंद्रह बीस हजार अटक जाएगा तो करते हैं।